तो हाय नमस्ते और पहलाग उत्तराखंड, एक बार फिर से जगसार जो है वहाँ पर हूँ मैं। और ये देवदार का प्लांटेशन यहाँ पर आज जो फ्रेश हुआ है वो दिखा रहा हूँ। ये प्लांटेशन है, देवदार के पेड़ लगाए गए हैं, नए पेड़ हैं, ये नए पेड़ हैं। और यहाँ पर जैसा मुझे पता चला है और शिव प्रसाद टिपराल साहब ने बताया है कि यहाँ पर कितने प्लांटेशन होने हैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नए हैं वो दिखा रहा हूँ आपको, ये प्लांटेशन फ्रेश है बिल्कुल, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले किया गया है और अभी भी यहाँ पर हैं। ये सब प्लांटेशन करके अभी अभी हट रहे हैं। यहाँ पर कविता मैम हैं और उनका पूरा ग्रुप था और कुछ गेस्ट भी यहाँ पर हैं। और अभी देखिए एक छोटा सा गेस्ट है, बहुत प्यारा सा गेस्ट, जो पानी डालने का काम कर रहा है। कहते हैं ना बच्चों को अगर बचपन से सिखाओ तो हो जाता है। अब उसे ये तो पता है कि पानी डालना है, लेकिन कितना डालना है वो भी सीख जाएगा आने वाले टाइम में। हाय, क्या नाम है आपका? हाय हाय, ऐसे हाथ वेव करो जरा, एक बार ऐसे करो। गुड गुड गुड। और ये साथ में हैं तो वही बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितना डालना है करके। ये प्लांटेशन अभी अभी हुआ है। और सर कितने प्लांट्स लगने हैं देवदार के? हमारे इसमें टोटल 500 पेड़ लगेंगे। 500 पेड़ लगेंगे, तो ये फ्रेश प्लांटेशन जो आज का है। कुछ गेस्ट भी यहाँ पर रहे हैं, अभी देखते हैं जरा। मैम से मिलता हूँ। हेलो मैम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? तो योर फॉर्म? गाजियाबाद। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू कम टू उत्तराखंड? यहाँ पर ये रिजॉर्ट कैसा लगा? स्पेशली आई एम आस्किंग अबाउट दिस रिजॉर्ट। वेरी नाइस एंड फुल ऑफ ग्रीनरी। ओके, एंड बेसिकली दिस इज द बेस्ट वेदर टू कम इन उत्तराखंड। उत्तराखंड, थैंक यू मैम। मे आई नो योर नेम? प्रियंका। प्रियंका, थैंक यू प्रियंका मैम। एंड ही इज योर सन? या, ही इज माय सन। ओके, हाय हाय बेबी। हाय, कैन यू से हाय? हाय। ओहो, तो ये देखिए कुछ गेस्ट हैं बहुत प्यारे से, प्रियंका मैम से थोड़ी देर बात किया। और ये नया प्लांटेशन है जो कि अभी अभी हुआ है। और जैसा मैंने बात किया था कि जो यहाँ के ओनर हैं शिव प्रसाद जी, उनने बताया कि ये यहाँ पर जो टोटल प्लांटेशन है 500 देवदार के पेड़ लगने हैं। और ये वो प्लांटेशन है जो अभी अभी फ्रेश हुआ है और इसमें अभी पानी डाला जा रहा है। आज टोटल 20 जो हैं वो पेड़ लगा दिए गए हैं। अध्ययन लहर और कविता मैम यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ये चीज़ किया है। अब देखते हैं कि कल कितना लग पाता है। फिलहाल ये जो गड्ढे हैं वो किए हुए हैं और उसके बाद लगने के बाद में इतना, ये चीज़ आज पता चला कि लेयर बाय लेयर उसको करना है और उसके बाद दबा के इन गड्ढों में खाद जितना पड़ेगी, इसमें जितनी खाद पड़ेगी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद है जिसके लिए कविता मैम है, वो भी आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। तो उन्होंने बताया कि वहीं से आई है खाद। और ये वो गड्ढे हैं जो कल जिनमें फिर से जो देवदार के पेड़ हैं वो लगाए जाएंगे, देवदार के पौधे। तो कल देखते हैं, फिर आपको मिलाता हूँ कुछ नई चीज़ें लेकर। और इस बात जो है हम यहाँ पर जगसार में, और कल कितना दिखा पाता हूँ, क्या क्या और चीज़ें हम देखते हैं। फिलहाल जो 500 पेड़ों का एक जो कहा है कि देवदार के 500 पेड़ लगने हैं, उनका यहाँ पर तैयारी हो चुकी है और चल रहे हैं। ये पेड़ लग गए, अभी इसमें पानी डला। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो नर्सरी यहाँ पर है, उसमें काफ़ी सारे पेड़ मैंने देखे हुए हैं, बहुत सारे पौधे हैं, अलग अलग ब्रीड है, अलग अलग पौधे हैं। वहाँ जरा जाके देखते हैं कि कितने सारे पौधे यहाँ पर, हर तरह का नींबू है और उसके बाद देवदार हैं और भी बहुत सारे ब्रीड हैं यहाँ पर, बहुत सारे वैरायटी हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं और हरा भरा बिल्कुल। आप ये सोचिए कि जब ये तैयार हो जाएगा तो कितना ज़बरदस्त बनेगा। ये हैं देखिए, ये नर्सरी है जो कि ये सारे लगना है, ये नींबू, माल्टा सब कुछ है इसमें, कागजी। ये कुछ नींबू हैं जो लग भी गए हैं, देख छोटा सा पौधा है लेकिन नींबू आप देखोगे तो नींबू लग चुके हैं। तो ये हैं जो प्लांटेशन है। और अभी भी ये सारा इधर, ये देखिए सब इधर है, अलग अलग पौधे हैं सामने देवदार के, अभी भी बाकी हैं जो लगने हैं 500 पेड़। इतना जल्दी तो लगेगा नहीं, आपको पता ही है। और उसके बाद में जैसे तैयार हो जाएगा उसके बाद देखिए कि कितना कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो ये है उसके बिल्कुल सामने का व्यू, हरा भरा जंगल और सामने ऊपर वो जो टीकड़ी सी दिख रही है आपको, उसके उस तरफ गांव। सो तुगड्डा से बिल्कुल नज़दीक। और उसके बाद अगर यहाँ आने के लिए भी बहुत अच्छा है, वो आपको पिछली पोस्ट में अगर आप जाएंगे तो जुगसार करके आपको दिख जाएगा, वहाँ पर देखिए। और जिनको आना है वो आइए, सचमुच बड़ा मज़ेदार है यहाँ पर। अब तो गेस्ट ने भी बता दिया जो आए हुए हैं। फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, कुछ अलग सा लेकर। फिलहाल ये देखिए कितनी तैयारी और कितना ज़बरदस्त यहाँ पर
सब कुछ है।